हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आपका जनीना फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं परमेश्वर की दया से। और आज दिन है मंडे और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 9:30 हो रहा होगा अभी, क्योंकि जेनी अभी चली गई है स्कूल। उसको तैयार वैयार करके मैं भेज दी हूँ और अभी मैं अपना दवाई खा रही हूँ। और अभी मैं अपनी कंघी वंगी कर ली हूँ। जिशान भी चला गया स्कूल, जेनी भी चली गई है और बाहर में वो बर्तन मांज रही है। और उसके पापा भी अपने काम में लगे हुए हैं सबेरे से। और हम लोग चाय वाय पी लिए हैं। और अभी मैं सोच रही हूँ, हाँ वो झाड़ू लगाने आएगी, उससे पहले मैं इसको साफ ऑफ कर देती हूँ, झाड़ देती हूँ फटाफट। और कल तो संडे था तो अपन लोग कल संडे को कोई वीडियो डालते नहीं हैं। संडे एक दिन छुट्टी रहता है हमारे वीडियो का भी। और वैसे भी कल हम लोग बाहर ही थे, दिन भर घर में थे नहीं। कल रात में आए हम लोग घर वापस। तो मेरा ये भी काम हो गया है। और आजकल ना ऐसा मौसम है बदली बदली टाइप का, आजकल लाइट में इतना कीड़े आ जाते हैं रात में, तो पूरे घर में कीड़े 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 भर जाते हैं लाइट के पास। और लाइट के पास आते हैं तो पूरे कीड़े नीचे गिर गिर के ना एकदम मर जाए रहते हैं पूरा तरफ। ये पर्दा में लटक पटक गए हैं कीड़े लोग, और दीवार में भी ना लाइट के पास पूरे कीड़े लोग चिपक गए हैं एकदम जाली में। यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, वो बहुत छोटे छोटे कीड़े ना बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ वहाँ जाली में। तो मैं सोच रही हूँ इसको भी झाड़ देती हूँ थोड़ा अच्छे से। और पर्दा को तो मैं उस दिन वैसे झाड़ दी थी, कल या परसों। और टीवी को भी अभी पोछ दूँगी, यहाँ पर भी पूरा धूल धूल हो गया है तो इसको भी थोड़ा पोछ लेती हूँ फटाफट। हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा धूल होता है, पता नहीं, मेरे को नहीं लगता दूसरों के घर में इतना धूल होता होगा। हमारे ही घर में यहाँ भी देखो पूरा सफ़ेद सफ़ेद ही देखो, इतना सारा धूल यहाँ लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा धूल होता है यहाँ पर। इस डब्बे में ना मैं यहाँ पर का कागज़ वागज इन लोग फेंकते हैं ना लाला के, तो मैं इसीलिए वहीं पर डब्बा रख दी हूँ ताकि मैं उसी में डाल दिया करूँ। कुछ भी ऐसा कचरा टाइप का सामान बिखरा रहता है तो आप लोग भी ऐसा डब्बा रख सकते हैं कहीं कहीं पर, उससे थोड़ा घर बिखरने से बच जाता है। और ये टेबल भी ऐसा तो साफ़ था, बस थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चाय वाय पिए थे तो ये चिपचिपा रहा था, तो मैं उसको थोड़ा सा पोंछ रही हूँ। और यहाँ पे तो आज कीड़े वीड़े नहीं गिरे थे ज़्यादा, कल हम लोग साफ़ कर दिए थे ना पूरा। और यहाँ पे लासानी झाड़ू मार रही है और मैं थोड़ा इसको पोंछ दे रही हूँ। मैं ना इसीलिए जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ ताकि मैं उससे पहले फटाफट ये सब काम कर दूँ, उसके बाद फिर वो झाड़ू पोछा कर देगी। इसीलिए ये सब मेरे को 9 बजे से पहले हो जाता है ना तो ठीक रहता है, मतलब उसके करने से पहले। आज वो भी थोड़ा लेट आई तो हो गया। और मैं यहाँ पर को भी पोंछ दे रही हूँ। और मैं ना सोच रही हूँ, अब अलमारी को हम लोग ऐसे घुमा के रख दिए हैं तो वो अच्छा लग रहा है, उसका सिर इधर कर दिए हैं तो अब अच्छा लग रहा है इधर से, नहीं तो पहले हम लोग उधर घुसना पड़ता था अलमारी में। और यहाँ पर जो मशीन है ना, इस मशीन को इस साइड किनारे करूँगी, उसका वीडियो बनाऊँगी, जब बनाऊँगी तो दिखाऊँगी। और वो फ्रिज जो सामने रूम में है ना, उसको ये अंदर बेडरूम में ला के रखूँगी। और वो जो सामने सोफा के सामने जो कंप्यूटर वाला टेबल रखा है ना, उसको दरवाज़ा के किनारे कर दूँगी, जहाँ पर अभी फ्रिज रखा है वहाँ पर, तो सामने का जगह थोड़ा खाली हो जाएगा। और यहाँ पर देखो जेनी ना इसको पूरा खींच खींच के रखे रहती है, निकला पड़ा था तो मैं सोची इसको काट ही देती हूँ, वही ठीक रहेगा। तो अब मैं यहाँ पर खिड़की को भी थोड़ा सा पोछ देती हूँ। झाड़ू तो वो लगा दी है वैसे, पर अभी पोछा लगाना बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ अभी पोछ देती हूँ इसको भी, तो साथ में हो जाएगा फटाफट। तो वो मेरे को पता रहता ना कि वो अभी झाड़ू पोछा करेगी, तो मैं अपना काम इधर से पोछने पाछने वाला एकदम फटाफट फटाफट कर देती हूँ, ऐसे में मेरा काम जल्दी हो जाता है।
नहीं तो जब मैं अकेले करते रहती हूँ ना तो बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ तो तौलिया ही पूरा भरा हुआ है, तौलिया और स्वेटर ला के मशीन के ऊपर डाल पटक देते हैं इन लोग। आजकल तो ठंड का मौसम आ गया है ना, खैर घर में ठंड नहीं लगती है, बस बाहर अगर हम लोग जाते हैं ना गाड़ी वाड़ी में तब भी रात में, तब फिर हम लोग को स्वेटर पहनना पड़ता है, खासकर इसके पापा और बिट्टू का स्वेटर ज़्यादा रहता है इधर उधर। चलो मेरा यहाँ पर भी ठीक हो गया, नहीं तो एकदम कचड़ा जैसे यहाँ पड़ा हुआ था कपड़ा। ये सब तो हो गया साफ, अब एक और कपड़ा इधर पड़ा हुआ है कुर्सी के ऊपर, चादर जो मैं कल धोई थी ना वो सब कपड़ा ऐसे फेंका है पड़ा। कल हम लोग थे नहीं ना घर में, तो सवेरे कपड़ा उठा के ला के यहाँ रख दिए थे हम लोग कुर्सी के ऊपर, ऐसे ही रखा हुआ है, तो बस अपन इसको हटा देंगे, हो गया। तो अब उसका बर्तन भी धुल गया है और अब मैं सोच रही हूँ यहाँ पर से चप्पलों को थोड़ा हटा देती हूँ, फिर वो झाड़ू लगाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। जो जो ज़रूरत नहीं था वो सब चप्पल हटा दी हूँ, ये तो इसके पापा का चप्पल है भी पहन के जाएंगे। और अब मैं ये देखिए यहाँ पर भी पूरा कपड़ा पड़ा हुआ है ऐसे, ये सब चादर चादर है। ये जेनी इधर एक ठो नाटक कर रही है, अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे और ये इसका चल रहा है अलग से। इसको भी अभी दूसरे जगह भी जाना है काम करने, तो वो इसे एकदम जल्दी 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 वो भी लगे रहती है। ये तौलिया थोड़ा गिल्ला टाइप का लग रहा था तो मैं लगा दी। अच्छा मैं ना यहाँ पर ना अभी तौलिया सुखाने आई थी तो यहाँ पर पौधों को देखी, पूरा पौधा सूखा सूखा पड़ा हुआ था, तो मैं सोची चलो इसमें पानी डाल देती हूँ करके, ये साइड वाला जो लाइन से रखा है सामने साइड पौधा उसमें, तो मैं उसमें पानी डाल रही थी। मैं कैमरा ला के यहाँ दरवाज़े के पास रखी थी, मैं सोची कि अब रख देती हूँ और वीडियो देखी, तो वीडियो तो चालू था लेकिन फिर उसके बाद जब मैं पानी वानी डाल ली मैं सोची इसका भी वीडियो बना लेती हूँ पानी डालने का पौधों में, तो बना रही थी और वीडियो देख रही हूँ। वीडियो तो ऐसे दिख रहा था, कैमरा चालू था बस, लेकिन वीडियो वाला बटन मैं दबा ही नहीं थी। हमेशा उल्टा ही काम हो जाता है मेरे से, हमेशा गड़बड़ी हो जाता है। तो फिर ना मैं सोची चलो अब हो गया, पानी डाल दी मैं पौधा में, अब वीडियो बंद कर देती हूँ करके मैं आई वीडियो के पास, तो देख रही हूँ आज वीडियो चालू ही नहीं हुआ था। क्या क्या होते रहता है ज़िंदगी में पता ही नहीं चलता, कभी कभी हमारा ध्यान इतना इधर उधर हो जाता है ना कुछ पता नहीं चलता, कभी भी कुछ भी हो जाता है हम लोग से। इतना अच्छा मस्त बनाई थी उसको, कई बार ऐसे होता ना मैं इतना अच्छा वीडियो बना लेती हूँ, इतना मेहनत कर लेती हूँ, काम भी कर लेती हूँ, लेकिन देखती हूँ मैं फिर जाती हूँ वीडियो बंद कर देती हूँ करके, तो देखती हूँ बटन ही चालू नहीं था, अब वीडियो ही बनना ही नहीं चालू हुआ था। क्या करोगे होते रहता है कभी कभी कुछ कुछ। आगे से ये सब चीज़ों से हमको सीखने मिलता है ना, आगे से अपन लोग ध्यान देते हैं फिर, लेकिन जितना भी ध्यान दो ना फिर भी कई बार ऐसा ऐसा गलती हो ही जाता है छोटा छोटा कि पूछो ही मत, अब पता नहीं चलता ना, लगता है कि चालू है और बाद में जब देखो तो पता चलता है वीडियो बना ही नहीं। कभी आवाज़ वाला वैसी होता है तो कभी वीडियो वाला ऐसी होता है, कैमरा वाला ऐसी होता है, और कई सारा चीज़ रहता है जो ऐसी होता है, हम लोग को लगता है हम लोग कर लिए फिर भूल जाते हैं। और यहाँ पर सरफ है और मैं सरफ से ना इसको धो देती हूँ। और बस फिर इसको धो देती हूँ मैं फटाफट, उसके बाद बस मेरे किचन का काम थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी बर्तन बचा है, बर्तन जमाना है मेरे को, अब इसके बाद मैं बर्तन जमा लूँगी। और आज मेरे को ज़्यादा खाना बनाना नहीं है, असल में बनाना ही पड़ेगा वैसे तो, लेकिन मेरा सब्जी वब्जी बना हुआ है पर उसको थोड़ा सा मसाला बना के उसको बढ़ाना पड़ेगा तब पूरेगा सबके लिए। और दाल भी बचा हुआ है तो कल का दाल है, सब्जी भी कल का है, दाल मैं कल उबाल के रखी थी, कल उबले ही वाला असल में बनाई थी दाल, तो हम लोग कल ऐसे खा लिए थे और अच्छा ही हुआ उबला हुआ था तो शायद ख़राब नहीं हुआ होगा अभी तो, वैसे मैं फ्रिज में रखी थी
तो अभी बस चावल बनाऊंगी और दाल है उसमें बस तड़का लगाऊंगी, और मछली का सब्जी है कल का, और उसको बस टमाटर प्याज और मसाला डाल के थोड़ा सा मसाला बनाऊंगी, उसके बाद उसको डाल दूंगी, बस हो गया। और ज़्यादा कुछ करना नहीं है अभी, वैसे अभी मेरा सब काम ख़त्म हो गया है। 11:30 हुआ है अभी, 11:30 हुआ होगा, फिर 12 बजे तो पानी खुल जाता है ना, फिर मेरे को पानी वानी उतना नहीं भरना, बस बॉटल लोग को भरना है। और यहाँ पर ना मैं बस अभी फटाफट अपना बर्तन जमा देती हूँ, अभी नहीं जमाऊँगी ना तो ये बर्तन बस पूरा ऐसे ही पड़े ही रह जाएगा शाम तक, फिर शाम को मेरा मन नहीं करता काम करने का ज़्यादा, मेरे को बिट्टू को बोलना पड़ता है बिट्टू जमा दे, फिर बिट्टू जमा देता है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ अभी मैं फटाफट कर ही देती हूँ, जब किचन में हूँ तो किचन का काम एक साथ ख़त्म ही कर देती हूँ। झाड़ू पोछा सब हो गया है, बस यही है, और ये वॉशिंग मशीन के ऊपर कुछ कुछ पड़ा हुआ है सामान, इसको मैं ठीक करके रखूँगी, एक पैर पोछने वाला है बेडरूम का वहाँ ले जा के रखूँगी, और ये बास्केट है इसको मैं अंदर अलमारी के ऊपर रख दूँगी, और वहाँ पर कुछ कुछ गंदा कपड़ा है उसको उठा के मशीन के अंदर डाल दूँगी। चलो हो गया, ये बर्तन भी जम गया अब मेरा फटाफट, और बस क्या है करना है, और अब बस मैं खाना बनाना है मेरे को, तो मैं यहाँ पर खाना बना लूँगी। चावल का पानी तो चढ़ा दी हूँ, चावल भी निकाल ली, मैं धो के इसको भिगा के थोड़ा देर रख देती हूँ, उसके बाद इसको डाल दूँगी इसमें। मैं इसको भी अंदर रख देती हूँ, अब ये भी खाली हो गया है। और कल ना मैं सोच रही हूँ कि क्या बोलते हैं, अब ये देखिए हमारा घर तो हो गया है साफ़ सुथरा, अभी बस मैं दाल में तड़का लगा दी हूँ, और दाल थोड़ा सा उबल रहा है, पानी थोड़ा ज़्यादा डालती मैं दाल में, इसलिए ना मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा उबाल देती हूँ। असल में ये ना अभी हो ही गया, मैं इसको हटा देती हूँ, इसी में अब मैं मछली बना दूँगी, बस प्याज डालूँगी टमाटर डालूँगी, और लहसुन अदरक का पेस्ट तो अभी नहीं है मेरे पास, तो अभी ज़रूरत नहीं है डालने का। फिर अभी ना मैं इसमें मेथी और सरसों डाल रही हूँ, वैसे भी मछली में ना मेथी का तड़का ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, और ये मछली है कल का। इसमें प्याज को भूंजूंगी, टमाटर डाल दूंगी, और यहाँ का टमाटर ना एकदम से घुटता नहीं है, जल्दी घुटता ही नहीं है उसको, जितना भी पकाओ आजकल का टमाटर इतना बेकार हो गया है, एकदम कड़ा कड़ा रहता है यहाँ का मोटा मोटा चमड़ी वाला टमाटर, तो मैं इसको ना वो दाल घोटने वाला है ना उसी से ऐसे करके घोट दे रही हूँ, ताकि ये मिल जाए अच्छे से। अब मैं इसमें धनिया पाउडर भी नहीं है, मैं हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल दूँगी, और थोड़ा सा शिमला मिर्ची भी डाल दूँगी, और यहाँ पे थोड़ा सा ना चिकन मसाला भी डाल दूँगी आज इसमें, क्योंकि वो कल का चिकन है ना, तो उसमें से थोड़ा सा रख देने से ना एक दिन मछली को किसी भी चीज़ को एक दिन रख देते हैं ना अपन फ्रिज में, तो उससे अजीब सा खुशबू आ जाता है, तो इसीलिए मैं ना इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला डाल दूँगी, ताकि वो अलग टाइप का खुशबू हट जाए। हाँ मेरे को अच्छी कार है इतना ज़्यादा। और बस हो गया मेरा खाना वाना तो बन ही गया है, अब बिट्टू भी आने वाला होगा स्कूल से, अब बिट्टू आ जाएगा, बिट्टू के आने से पहले भी मेरे को खाना बनाना पड़ता है। और तो ये देखिए बिट्टू भी आ गया है, और मैं इसको खाना दे दी हूँ, सब्जी और दाल चावल, दाल में पानी कुछ ज़्यादा ही हो गया आज। मछली है ये, बिट्टू का खाना है, बिट्टू के लिए निकाल दी थी मैं, इन लोग को आते ही भी। तक के लिए बाय बाय गाइस, और हम लोग मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।